फिर हम यह देखते हैं कि इसको कैसे और थोड़ा गहराई से देखेंगे, तो इसको एस्पेक्ट भी है, जैसे कि हम कुछ प्रॉब्लम्स इसमें देखते हैं। अगर मुझे पिता के प्रति गुस्सा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि मुझे पिता के प्रति, हालांकि मुझे पिता के प्रति गुस्सा है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे अपने पिता के प्रति गुस्सा है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यह पूरा किया और फिर देखा, यह करते वक्त पहले क्या करना है कि जब हम उसको मेजर करेंगे, उसका इंटेंसिटी कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, हमने इसको अगर मेजर किया है तो यह अगर 6 आता है, समझो 7 आता है, तो तब तक हमें यह बेसिक रेसिपी, सेटअप, सीक्वेंस, नाइन गैमेट प्रोसीजर और सीक्वेंस, एक राउंड पूरा कंप्लीट करना है। फिर वापस हमें इमेजिन कर कर देखना है, अभी भी कितना बचा है मेरा सिर दर्द या मेरा पिता के प्रति गुस्सा, कितना बचा है, तो अभी ये कम हो गया है, 4 हो गया है समझो, तो वापस हमें यह राउंड अप्लाई करना है। अब कितना कम हो गया है, अभी 2 हो गया है, फिर वापस अप्लाई करना है, अभी 0 हो गया, यानी कि ये पूरा हो गया। और फिर हम थोड़े देर बाद देखते हैं, या 1 2 3 दिनों के बाद देखते हैं, या अगर हमने स्नेक फोबिया लिया है, सांपों से डर लिया है, हमें तब वह 0 आ गया, यानी कि एक्चुअल जब सांप देखते तो बहुत डर लगता है, बहुत वो इंटेंसिटी होती है, लेकिन तो वो न लेकर अभी मैंने अगर सांप को इमेजिन किया तो मुझे कितना डर लगता है, उसका इंटेंसिटी, अभी का इंटेंसिटी हमें मेजर करना है और उसको 0 तक लाना है। और फिर जब एक्चुअल हम एक्सपीरियंस वहां पर जाएंगे तो इमिजिएटली हमको रिलीफ मिलता है, लेकिन कभी कभी बार अगर नहीं मिलता है, यानी कि अभी भी हमको पूरा एस्पेक्ट देखना है उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का बाकी का हिस्सा भी हमें देखना है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि किसी एक एक व्यक्ति को उसके पिता के प्रति गुस्सा है, तो वो जानता है कि पिता के प्रति गुस्सा है, उसने ले लिया, फिर वो 0 तक हो गया, फिर भी वो नहीं ठीक हो गया, उसको बार बार पिता के प्रति गुस्सा ही आ रहा है, फिर वो थोड़ा सा विस्तार से देखेगा मुझे कहाँ कहाँ पर गुस्सा आता है और क्या एग्जैक्टली क्या होता है। तो फिर वह देखेगा जब मेरे मन मुताबिक नहीं होता, मुझे इस यहाँ पर वो टोकते हैं, यहाँ पर मुझे वो बोलते कि यह नहीं करना है, वह नहीं करना है, तो वो पूरा सिचुएशन आप लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके ऊर्जा प्रणाली को पूरा वह विस्तार से बताएंगे कि ऐसा ऐसा वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे वह गुस्सा आ रहा है। फिर करेंगे जैसे कि, जैसे हम देखेंगे कि वैसे एक जंगल होता है, हमारी नेगेटिव भावनाओं का, नेगेटिव थॉट्स का और भावनाओं का पूरा जंगल होता है, लेकिन फिर भी हम चार पांच हिस्सों पर, चार पांच पहलुओं पर काम करेंगे तो अपने आप वो रास्ता दिखाई देता है, बाकी के जनरलाइजेशन इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि बाकी के हिस्सों पे हम कम हो जाता है हमारे अंदर का। तो फिर वह याद और करेगा, उसके ऊपर अप्लाई वो करता रहेगा, फिर उसको याद आएगा जब मैं छोटा था, उसको अगर कुछ घटना याद आई, जब मैं 6 साल का था, किचन में था और कुछ मुझसे कुछ भी गलती हुई थी, या तब मुझे मेरे पिता ने मारा था, वो पूरा याद नहीं आ रहा क्यों मारा था, पर उतना ही याद आ रहा है कि मुझे जोर से उन्होंने मारा था या फेंक दिया था, जो भी है, और तब से मुझे बहुत गुस्सा है। फिर वह मिक्स्ड फीलिंग भी है, गुस्सा भी है, फिर डर भी है, फिर अपराध बोध, गिल्ट भी है, शायद मेरा ही कुछ गलती हुआ होगा, इसलिए पिता को यह वह नौबत आई कि मुझे वह मारे या फेंके, तो बहुत सारे पहलू है एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, तो वो देखेगा कि क्या क्या हुआ, मुझे क्या हो रहा है, वो पूरा इंसिडेंस बताएगा, और फिर बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, लेकिन वह बताएगा। और फिर जो जो भी फीलिंग उभर रहे हैं वो घटना के बारे में, जो जो भी फीलिंग, कभी गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्से के ऊपर वो जब तक 0 नहीं होता तब तक हम बेसिक रेसिपी का राउंड खुद पर अप्लाई करेंगे। फिर वह अगर अलग आ रहा है, कुछ सिचुएशन है, फिर अगर स्कूल की है, स्कूल में पिताजी आए थे और सबके सामने डांटा, इसके लिए गुस्सा है, फिर कुछ सोसाइटी में हम खेल रहे थे, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सबके सामने पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा था, फिर उसका गुस्सा है, फिर एक बार साइकिल चला रहा था तो गिर गया था, गलती हुई तो उनको गुस्सा आया कि मैं जल्दी क्यों नहीं सीख रहा था, फिर एक मैथ्स का प्रॉब्लम था वो गलती हुआ, फिर मैंने रिजल्ट शीट दिखाया और रिजल्ट शीट में मुझे कम मार्क, तो कितने सारे इंसिडेंट्स है, फिर एक के बाद एक 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 पिता के प्रति गुस्सा बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जितना भी याद आता है हमें एक एक दिन में वह लेना है, और एक बार सिर्फ एक ही समस्या लेनी, यानी कि हमने देखा गुस्सा, सिर्फ हमने ये कहा कि पिता के प्रति गुस्सा, लेकिन उसके बहुत सारे एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि मुझे डर लगता है कि पिता मुझे ऐसे बहुत मारेंगे, या
या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब, तो चक्कू दिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरा एस्पेक्ट हमें, या काठी से मारेंगे, जो भी है लकड़ी से मारेंगे, जो भी हमें लगता है वो पूरा देखना है। और हर एक समस्या को एक समय एक ही समस्याओं को लेकर हमें बेसिक रेसिपी अप्लाई करना है। तो यह हम करते रहेंगे तो इसका पूरा कवर हो जाएगा और हमें इमिजिएटली वह पूरा उसे हम मुक्ति मिल सकती है। फिर दूसरा यह भी है साइकोलॉजिकल रिवर्सल, यानी कि हमारे अंदर बाहर से हम हाँ कहते हैं कि मुझे, हाँ मुझे वजन घटाना है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन इंटरनली नो होता है, अनकॉन्शियसली हमारा नो होता है। तो उसका मूल कारण क्या है, हमारी एनर्जी सिस्टम की जो बैटरी है वो उल्टी होती है, हमारी एनर्जी सिस्टम उल्टा कार्य करती है, इसलिए हम वह पूरा नहीं कर पाते। यह एक्चुअली उसका बेसिक है। तो उसके ऊपर भी हम कार्य करते हैं सेटअप में, अफर्मेटिव सेंटेंस हम कहकर उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। फिर हम ये छोटे बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली सिर्फ सीक्वेंस अप्लाई कर दूसरों को पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सिंपल सिंपल इसमें तो हमें इमीजिएटली रिलीफ आता है, फिर एडिक्शंस है, व्यसन्स है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम तो इमीजिएटली हमें छुटकारा मिलता ही, अगर इमीजिएटली छुटकारा नहीं मिलता तो हम दिन भर तीन तीन या पाँच पाँच राउंड 5 मिनट तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे प्रॉब्लम है तो 2-3 महीने तक, 1.5 महीने तक रोज सिर्फ हमें 2-3 मिनट या 5 मिनट तो लगते हैं इसको अप्लाई करने में, इसको हम इस्तेमाल करने में, तो वो हम जरूर जरूर कर सकते हैं। और फिर इसको करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसके भी कुछ कारण है। जैसे पहला कारण एस्पेक्ट, यानी कि उसके सारे एस्पेक्ट ठीक नहीं हुए हैं। दूसरा कारण है साइकोलॉजिकल रिवर्सल, वो भी हमने देखा है। तीसरा कारण है कॉलर बोन ब्रीदिंग एक प्रॉब्लम, तो उसको भी कैसे ठीक करना है वो भी हम देख सकते हैं। और फिर चौथा है एनर्जी टॉक्सिन्स, तो कुछ शरीर के अंदर के, कुछ शरीर के बाहर के एनर्जी टॉक्सिन्स है, उसे भी हम कैसे छुटकारा पाकर वापस ये EFT टेक्निक कैसे हमारे ऊपर इस्तेमाल करके उसका 100% रिजल्ट कैसे हम पा सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं। तो ज़रूर हम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि बहुत ज़्यादा अक्यूट इमरजेंसी हो तो तब हमें अप्लाई नहीं करना है, बहुत सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सीवियर फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी हमें इसको अप्लाई नहीं करना है। कोई तज्ञ यानी कोई स्पेशलिस्ट ही इसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो कॉमन पीपल है इसको आराम से छोटे छोटे इमीजिएटली रिलीफ पाने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सवाल है सवाल के जवाब चाहिए तो ज़रूर जो स्क्रीन पर वेबसाइट डिस्प्ले हो रही या नंबर्स डिस्प्ले हो रहे उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यह एक उपचार पद्धति का जोरदार आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।